Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to discuss about principles and guidelines of diet planning. So जब भी हम लोग डाइट प्लानिंग करते हैं या आप अपने पेशेंट्स को अगर कोई डाइट प्लान देते हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स आपको माइंड में रख के आपको जो है वो प्लान बनाना चाहिए. सो आप ये राइट साइड पर देखें, ये कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं. एडिक्वेसी, बैलेंस, कैलरीज कंट्रोल, न्यूट्रिएंट डेंसिटी, मॉडरेशन एंड वैरायटी. सो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आप जब डाइट प्लान करते हैं तो आपको ये सारे अपने माइंड में रख के आपको पेशेंट को डाइट प्लान देना चाहिए. सो ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये चीज जो है, ये वर्ड्स जो है, ये किस चीज को शो कर रहे हैं. सो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो देखते हैं, एडिक्वेसी. Adequacy means that diet provides sufficient energy and enough of all the nutrients to meet the needs of the healthy people. Adequacy kya hai ki jab bhi aap diet plan do na to aap ye make sure karo ki utni usme energy ho, utne nutrients ho ki wo jo jisko aap de rahe ho uski health ko jo hai wo support kare. क्योंकि अभी हम लोग भी काफी ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना फैट्स डाइट का, जैसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है. एक कुछ डाइट्स होती है उसमें कार्ब्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक कुछ डाइट्स होती है उसमें फैट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और कुछ इस तरह की होती है कि उसमें खाली लिक्विड डाइट पे वो होती है इंडिविजुअल्स. तो इस तरह की जो डाइट है वो मे बी वो वेट लूज कर दे लेकिन जो बॉडी के बाकी फंक्शंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. पर इस तरह का जो वेट है वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं आप कर सकते, क्योंकि जैसे आप डाइट छोड़ते हैं तो आप बड़ी जल्दी वो वेट जो है वो गेन कर लेते हैं. सो आपने एक एडिक्वेसी रखनी है डाइट प्लानिंग करते हुए. जैसे अगर आप कोई भी डाइट प्लान जो है वो एडिक्वेट नो, लेट्स से कि आप एग्जाम्पल ले लें आयरन की, ठीक है. आयरन जो है वो बॉडी से कॉन्स्टेंटली लूज हो रहा होता है, स्पेशली वुमेन के केस में जो है वो जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो आयरन जो है वो बॉडी से ब्लीड होता है. आयरन अगर डाइटरी सोर्सेज से ना ले रहे हो तो फिर क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है. एनीमिया हो जाए तो फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि मतलब वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, रेस्टलेसनेस होती है, हेडेक्स होते हैं, मस्कुलर फटीग होती है. सो ये सारे सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें आयरन जो है वो एडिक्वेट लेना चाहिए. और सिर्फ आयरन ही नहीं, बाकी सारे जो विटामिंस मिनरल्स हैं वो भी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए. नेक्स्ट है बैलेंस. बैलेंस क्या है? द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग डाइट इन्वॉल्व्स कंज्यूमिंग इनफ बट नॉट टू मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड. बैलेंस क्या है कि कोई भी अगर आप डाइट, ऐसी डाइट हो कि वो हर चीज उसमें ना तो आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो ना आप बहुत कम कंज्यूम कर रहे हो, तो हर चीज में जो है वो बैलेंस हो. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कैल्शियम और आयरन की. जिस जो फूड सोर्सेज जैसे मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, ये आयरन में तो रिच होते हैं बट कैल्शियम रिच नहीं होते. अगर आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो कैल्शियम में रिच होते हैं बट आयरन में जो है वो पुअर होते हैं. सो आपने इस तरह की डाइट लेनी है, इस तरह के फूड सोर्सेज ऐड करने के, आपके सारे विटामिंस मिनरल्स जो है वो डाइट में इंक्लूड हो. स्पेशली देखो अगर आप खाली आयरन के फूड सोर्सेज बहुत ज्यादा ले रहे हो तो आप कैल्शियम डिप्लीट हो जाओगे, कैल्शियम के बहुत ज्यादा ले रहे हो तो आप आयरन डिप्लीट हो जाओगे. सो दोनों के जो फूड सोर्सेज हैं वो आपने बैलेंस में लेने हैं. नेक्स्ट है कैलोरी कंट्रोल. जब भी हम लोग डाइट को डिजाइन करते हैं ना तो डाइट को डिजाइन करने से पहले हम लोग उसकी जो कैलोरीज हैं पर्सन की वो कैलकुलेट करते हैं. कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसकी जो हाइट है, वेट, उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है, जेंडर है, वो सारे एज है, वो सारी चीजों को हम लोग देख के उसकी कैलोरीज कंट्रोल करते हैं. और उस कैलोरी के अंदर रह के हम लोग जो है वो फूड आइटम्स जो है वो इंक्लूड कर रहे होते हैं. अब कितनी एनर्जी हम लोगों को देनी चाहिए, इतनी एनर्जी बॉडी में जानी चाहिए जितनी वो यूज कर रही है. जैसे अगर और अगर इस तरह बैलेंस नहीं होता ना एनर्जी में, जैसे अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और बॉडी यूज नहीं कर रही तो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा. और अगर इसी तरह बॉडी जो है बहुत ज्यादा यूज कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और आप डाइट उतनी नहीं ले रहे तो फिर वेट लूज होना शुरू हो जाएगा. सो हमने एक स्पेसिफिक कैलोरीज को कंट्रोल कर कैलकुलेट करना होता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डाइट प्लान देना होता है. न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या है कि ऐसा फूड जो न्यूट्रिएंट ज्यादा प्रोवाइड करे
और एनर्जी कम प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर ये आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 30 मिलीग्राम जो कैल्शियम है वो हमें मिल रहा है 1.5 ounce ऑफ चेडर चीज से भी और 1 cup ऑफ फैट फ्री मिल्क से भी। फैट फ्री मिल्क भी उतनी अमाउंट दे रहा है कैल्शियम की और 1.5 ounce चेडर चीज भी उतनी अमाउंट दे रहा है, बट क्या है कि चेडर चीज में डबल कैलोरीज होंगी और फैट फ्री मिल्क में कम कैलोरीज होंगी। सपोज करेंगे अगर इसमें 90 कैलोरीज है 1 cup ऑफ फैट फ्री मिल्क में, तो उसमें 180 हो सकती है। सो न्यूट्रिएंट डेंस कौन सा होगा? फैट फ्री मिल्क होगा। क्यों? क्योंकि ये लेस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि चॉइसेस दोनों अच्छी है, चेडर चीज भी अच्छी है, फैट फ्री मिल्क भी अच्छी है, बट हमें कैलोरीज को देख के कैलोरीज को कंट्रोल करना होता है, इसीलिए हम लोग को फूड चॉइसेस भी उसी तरह देखनी पड़ती है। और अभी तो ये दोनों चॉइसेस अच्छी थी, तो मतलब हम लोगों ने कंपैरिजन किया ना, कुछ इस तरह के फूड आइटम्स होते हैं ये नीचे देखें, जैसे ये एम्प्टी कैलोरीज हैं कि वो जैसे पोटैटो चिप्स है या कैंडीज होती हैं, फिजी ड्रिंक्स होती हैं, उसमें न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत कम होती है और उसमें कैलोरीज ही वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ऐसे फूड आइटम्स को हम कहते हैं कि एम्प्टी कैलोरी फूड। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, the concept of nutrient density is relatively simple when it's examining the contribution of one nutrient to the food or diet. कि जब हमने एक कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को देखना होता है ना, तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इजी है। जैसे अगर हमने कैल्शियम का देखना है खाली, तो कैल्शियम का हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो मिल्क में ज्यादा होता है, मीट में कम होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मिल्क है ये कैल्शियम के अकॉर्डिंगली न्यूट्रिएंट डेंस है, और ये जो सॉरी जो मिल्क है उसमें कैल्शियम ज्यादा है, मींस कि वो कैल्शियम के अकॉर्डिंगली ये मिल्क जो है वो रिच है, बट मीट जो है वो न्यूट्रिएंट उसमें नहीं है कैल्शियम, इसलिए वो न्यूट्रिएंट पुअर है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है। इसी तरह अगर हमें आयरन का देखना हो तो हम कहेंगे कि मीट जो है वो आयरन के अकॉर्डिंगली न्यूट्रिएंट डेंस है, बट जो मिल्क है वो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है आयरन के अकॉर्डिंगली, अगर हम एक की बात करें। बट अगर हमें पूरे ओवरऑल फूड को देखना हो कि कौन सा फूड न्यूट्रिएंट डेंस है, सारे न्यूट्रिएंट्स को देखना हो, तो ये जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए अगर पूरी न्यूट्रिएंट्स को देखते हुए फूड को रैंकिंग करना, उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग, ठीक है। अभी तक जो है वो रिसर्चर्स इस चीज को आइडियल वे देख रहे हैं कि एक फूड को जो किस तरह उसकी जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो कैलकुलेट करके किस तरह से उसको रैंक किया जाए, सो जो इफेक्टिवली जो डाइट प्लानिंग है वो हो सके। मॉडरेशन क्या है? मॉडरेशन ये है कि फूड रिच इन फैट एंड शुगर प्रोवाइड एंजॉयमेंट एंड एनर्जी बट रिलेटिवली फ्यू न्यूट्रिएंट्स, के जो फूड कुछ फूड्स होते हैं जो फैट में ज्यादा होते हैं, शुगर ज्यादा होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बट न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। सो ऐसे फूड आइटम्स को अगर आप ओकेजनली खाएं तो आपके लिए कोई आप इतनी कोई नुकसान की बात नहीं है, बट अगर आप उसको रोज रेगुलरली आप यूज में आप रख रहे हैं तो फिर आपके लिए नुकसान होगा। और मॉडरेशन सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं है, मॉडरेशन अगर कोई भी चीज है ना, जैसे मीट है, मीट आपको लग रहा होगा कि वो हेल्दी है, हेल्दी तब तक, कोई भी चीज हेल्दी तब तक होती है जब आप उसको मॉडरेशन में खाते हैं, पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं। मीट भी आप बहुत ज्यादा लेते रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी में प्रोटीन जो है वो, किडनी जो है वो एक्सेसिव प्रोटीन को अगर ना फिल्टर कर सके तो क्या होगा, प्रोटीन एक्युमुलेट हो जाएगा, किडनीज का इश्यू हो जाएगा। फैट जो है वो आप बहुत ज्यादा लेते रहेंगे, चाहे वो फैट आप हेल्दी फैट भी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते रहेंगे तो एक अमाउंट पे आके वो भी जो है वो बॉडी को अफेक्ट करेगा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स कार्ब, एनर्जी तो सब में ना, चाहे वो सिंपल कार्ब्स हो या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, एनर्जी तो सब में होती है। सो अगर आप कार्ब्स चाहे कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं तो एक पॉइंट पे आएगा कि वेट गेन होना शुरू हो जाएगा उस पर भी। सो हर चीज जो है वो मॉडरेशन में खानी है। अच्छा, न्यूट्रिएंट डेंसिटी की भी बात हो रही थी, न्यूट्रिएंट डेंसिटी को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कैलोरी डेंसिटी को देखा था, कैलोरी रिच जो फूड है उसको हमने देखा था कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब न्यूट्रिएंट डेंसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास पेपर में इस तरह आएगा कि आपके पास दो जो है वो फूड आइटम्स दिए गए होंगे, आपको बताया गया होगा कि ये जो फूड आइटम है, जैसे यहाँ पे जो है वो एक जो फूड आइटम है वो है मिल्क और एक है टर्निप ग्रीन्स, ठीक है। अब बताया गया है कि कितनी जो कैलोरीज, ये भी बताया गया होगा
कि वो कैलोरीज जो फूड है वो कैलोरीज कितनी प्रोवाइड कर रहा है और वो न्यूट्रिएंट कितना प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्या करोगे कि दोनों को अलग अलग, जैसे ये 300 मिलीग्राम कैल्शियम है उसको आप कैलोरीज से डिवाइड कर दोगे, इसी तरह टर्निंग ग्रीन को भी उसकी कैलोरीज से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि 3.5 मिलीग्राम जो है वो पर कैलोरी हमें ये प्रोवाइड कर रहा है ये मिल्क, और 6.7 मिलीग्राम पर कैलोरी ये प्रोवाइड कर रहा है हमें टर्निंग ग्रीन्स। सो जो जितने मिलीग्राम ज्यादा आएंगे आप उसको कहोगे कि वो न्यूट्रिएंट डेंस है, क्योंकि ये एक कैलोरी अगर हो तो एक कैलोरी से हमें 6.7 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा है, और ये अगर एक कैलोरी हो तो इस एक कैलोरी से हमें 3.5 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा है, ये मिल्क है और ये टर्निंग ग्रीन्स है, तो ये न्यूट्रिएंट डेंस कौन सा होगा, टर्निंग ग्रीन्स। और अगर दो आपको ना दिए गए हो तो इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है कि आप इसकी जो है वो कैलकुलेट करें कि पर कैलोरी आप ये कितना न्यूट्रिएंट, कितने एमजी न्यूट्रिएंट जो है वो ये फूड प्रोवाइड कर रहा है। सो आप सिंपली इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वैरायटी। अच्छा सारी जो डाइट्स है ना उनमें वैरायटी जो है वो लाजम होनी चाहिए, लोगों की डाइट में जो है वो वैरायटी बहुत कम होती है, जैसे लोग जो है वो एक ही तरह का फ्रूट जो है वो रोज खा रहे होते हैं, फ्रूट अगर खाते हैं तो एक ही तरह का फ्रूट खा रहे होते हैं, और अगर गोश्त खा रहे होते हैं मेनली ये चीज बताने का ये मकसद है कि कोई भी जो चीज है ना वो वैरायटी में होनी चाहिए, अगर आप फ्रूट खा रहे हैं फ्रूट में वैरायटी ऐड करें, अगर आप गोश्त खा रहे हैं गोश्त में वैरायटी ऐड करें, चिकन है फिश है मीट है, इसी तरह सब्जी खा रहे हैं सब्जी में वैरायटी ऐड करें। वैरायटी ऐड करने का मकसद क्या होता है कि हर फूड के अंदर उसकी अपनी एक न्यूट्रिएंट, अपना एक न्यूट्रिएंट उसकी प्रोफाइल होती है, कुछ कुछ फूड्स में और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि स्ट्रॉबेरीज जो है उसमें वाइटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, जो एप्रिकॉट्स हैं उनमें वाइटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, इसी तरह और फ्रूट्स में डिफरेंट जो है वो विटामिंस मिनरल्स होंगे, तो आप जब स्विच करके खाते रहते हैं तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा मिल जाते हैं। और इस तरह भी होता है कि जैसे बहुत सारी इस तरह चीजें होती हैं, जैसे एप्पल है ये कोई भी फ्रूट है, ये स्ट्रॉबेरीज ही आप ले लो, पेस्टिसाइड्स का बड़ा ज्यादा यूज होता है, सो जब आप स्विच करके खाते हैं ना तो आपके ये भी चांसेस कम हो जाते हैं, कुछ पे पेस्टिसाइड ज्यादा लगे होते हैं कुछ पे कम लगे होते हैं, सो वो भी एक वो जो हार्मफुल चीज है आप उससे बच सकते हैं। सो ये आज का लेक्चर था और आई होप सो कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया हो और आप इसको रीड करें, ये भी अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन से लेक्चर है, सेकेंड चैप्टर है, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।